हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घर से होंगे। तो आज हम करेंगे भंगड़ा और भंगड़े बेसिक स्टेप्स। तो हमारी पिछली वाली क्लास में मैंने आपको वीडियो बनाने के लिए बोला था, उम्मीद करता हूँ आपने भेज दी होगी। अगर नहीं भेज पाए तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके वीडियो बनाएं, वीडियो बना के हमें सेंड करें। थैंक यू सो मच। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले होती है इसकी पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन क्या है, हमें वी शेप में खड़ा होना है, ऐसे वी शेप में होना है, दोनों लेग को ऐसे ओपन करके, और ये हाथ है आपके, यहाँ रहेंगे आपके कमर पे, और जो पीछे थंब है वो थंब पीछे ऐसे रहेंगे, गर्ल्स के भी बॉयज के भी। और चलो बाकी बाद में बताएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऐसे लेग ओपन रखनी है आपने, आपके जो नीज है इनको बेंड करना है, थोड़ा सा बेंड करना है हल्का सा, फिर अप करना है। ये हमारा जाके होता है वन, यहां जाएंगे हाफ एंड हाफ वन, इसको थोड़ा फास्ट करेंगे ऐसे वन। तो हमारे ये भंगड़ा का पहला स्टेप है, ए मान के चलते हैं इसको। ओके चलिए रिपीट करते हैं इसको, पेयर में करेंगे फोर या एट, यहां से करेंगे पहले हम एट करेंगे सीधा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अगर आपका ऐसा मूवमेंट नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, धीरे धीरे इसको ट्राई करें, पहले धीरे से फोल्ड किया फिर अप करना है, फिर फोल्ड फिर अप, धीरे धीरे हम करेंगे तभी ये फील आएगा बॉडी के अंदर। ओके तो चलिए आप प्रैक्टिस करते रहे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो लेफ्ट साइड जाने के लिए मुझे क्या करना है, राइट हील को अप करना है, यहां से ध्यान रहे आप ऐसे फोल्ड ना करें इसको, टर्न नहीं करना लेग को, यहां से उठाना है बस। अब देन इस साइड करेंगे बैंड एंड बैंड, फिर चेंज करेंगे इस साइड राइट हैंड साइड, यहां से लेफ्ट की लंब हो जाएगी, ध्यान रहे आप ऐसे ना करें, सीधे रखना है इसको, वन एंड टू। ओके तो चलिए फिर से रिपीट कराता हूं, वन टू थ्री फोर। ओके तो आप क्या करते हैं, हम आते हैं हैंड्स के ऊपर, हैंड्स की मूवमेंट कैसे रहेगी इसके अंदर, आपने इनको भी सेम यहां से ऐसे रखना है और धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है, यहां तक आपकी जो हथेली है ये आपकी रहेगी इसके अपोजिट, मान के चलो मैं अगर ऐसे कर रहा हूं तो ये हथेली सामने नहीं होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए हमारे, ये वाले भी ऐसे अपोजिट, और वी शेप में आपके हैंड रहेंगे, और ये लाने रखने यहां तक शोल्डर तक, फिर आप कर शोल्डर तक फिर अप कर, ऐसे हमें लेग के साथ करना है इसको, कॉम्बिनेशन बनाना लेग के साथ इनका, बैंड अप बैंड अप बैंड अप। तो हमने पेयर में करना है इसको। ओके तो चलिए पेयर में करते हैं, पहले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। इसी प्रकार हम करेंगे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड जाने के लिए मुझे राइट की हिलम करनी है, यहां से आप बोल रहे हैं वन टू चेंज थ्री फोर। ओके उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ आ गया होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, अभी हमारा एक फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप के अंदर अब हमने वेरिएशन बनानी है, वेरिएशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो चलिए बच्चों अब इसके अंदर वेरिएशन करते हैं। वेरिएशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने हैंड्स को ऐसे रखना है, एल्बो को अपने हैंड्स पर फोल्ड करना है, यहां से इतना फोल्ड किया, एल्बो से नीचे बैंड करना है, देन अप बैंड अप, लेग के साथ करेंगे इसको बैंड अप बैंड अप। ओके इसी प्रकार हम करेंगे लेफ्ट साइड राइट साइड, देन जाएंगे लेफ्ट साइड वन टू चेंज वन टू चेंज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। देन इसके बाद क्या करेंगे हम, टू वेरिएशन होगी हमारी, हैंड के साथ हो गया ठीक है, और पहले विदाउट हैंड हो गया ऐसे वन, इसमें क्या करना है शोल्डर को अप डाउन, ये डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है तभी धीरे धीरे फिनिशिंग आएगी इसके अंदर। तो हमने करना है वन टू थ्री फोर, आप ध्यान दो शोल्डर के ऊपर, अप डाउन 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 अप डाउन। ओके ये हो गया वन, और फिर हमारा टू हैंड के साथ था वन टू थ्री फोर, देन सिंगल हैंड के साथ भी कर सकते हैं इसको वन टू
थ्री फोर। अब नेक्स्ट हमने ये किया था वन टू थ्री फोर, इसके बाद क्या करना है, एक को ट्रेडिशन करते हैं ऐसे हाथ को करना है, एक को ऊपर से करना है और दूसरा रखना है यहां तक एल्बो तक, यहां से रिपीट करना है वन टू चेंज करेंगे थ्री फोर। ओके यहां करेंगे लेफ्ट साइड पहले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो आपके ये ए स्टेप है और इसके अंदर फोर वेरिएशन है। एक बार हम इन्हीं वेरिएशन को सॉन्ग के साथ करते हैं, आप कोई भी रैंडमली सॉन्ग लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है पंजाबी सॉन्ग। अगर आपको स्लो करना है तो हम स्लो स्टेप करेंगे, स्लो सॉन्ग है तो स्लो करेंगे, फास्ट है तो हम फास्ट करेंगे। तो हम कोई भी सॉन्ग लेते हैं इसमें से, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।